जयपुर पहुंचे डोडा में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर। इस वक्त की जानकारी सामने आ रही, सिपाही अजय सिंह और विजेंद्र के पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं। झुंझुनू से लाए जाएंगे दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर। भैसावत और डुमोली गांव में अंतिम विदाई जवानों को दी जाएगी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि डोडा में जो एनकाउंटर हुआ उसमें हमारे कई जवान शहीद हुए और अब उन शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जा रहे हैं। सिपाही अजय सिंह और विजेंद्र के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाए जा रहे हैं। झुंझुनू ले जाए जाएंगे पहले पार्थिव शरीर और उसके बाद दोनों के जो पैतृक गांव हैं वहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर इस वक्त की जानकारी सामने आ रही, सिपाही अजय सिंह और विजेंद्र के पार्थिव शरीर पहुँच चुके हैं। झुंझुनू से लाए जाएंगे दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर। भैसावत और डुमोली गांव में अंतिम विदाई जवानों को दी जाएगी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि डोडा में जो एनकाउंटर हुआ उसमें हमारे कई जवान शहीद हुए और अब उन शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जा रहे हैं। सिपाही अजय सिंह और विजेंद्र के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गाँव ले जाए जा रहे हैं। झुंझुनू ले जाए जाएंगे पहले पार्थिव शरीर और उसके बाद दोनों के जो पैतृक गांव हैं वहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर इस वक्त की जानकारी सामने आ रही, सिपाही अजय सिंह और विजेंद्र के पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं। झुंझुनू से लाए जाएंगे दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर। भैसावत और डुमोली गांव में अंतिम विदाई जवानों को दी जाएगी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि डोडा में जो एनकाउंटर हुआ उसमें हमारे कई जवान शहीद हुए और अब उन शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जा रहे हैं। सिपाही अजय सिंह और विजेंद्र के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाए जा रहे हैं। झुंझुनू ले जाए जाएंगे पहले पार्थिव शरीर और उसके बाद दोनों के जो पैतृक गांव हैं वहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर इस वक्त की जानकारी सामने आ रही, सिपाही अजय सिंह और विजेंद्र के पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं। झुंझुनू से लाए जाएंगे दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर। भैसावत और डुमोली गांव में अंतिम विदाई जवानों को दी जाएगी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि डोडा में जो एनकाउंटर हुआ उसमें हमारे कई जवान शहीद हुए और अब उन शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जा रहे हैं। सिपाही अजय सिंह और विजेंद्र के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाए जा रहे हैं। झुंझुनू ले जाए जाएंगे पहले पार्थिव शरीर और उसके बाद दोनों के जो पैतृक गांव हैं वहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा।